अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स हाउस। ट्यूटोरियल्स हाउस में खुश आमदीद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विश मैक्स। स्विश मैक्स को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और उसको फुल एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो चले आए, शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है स्विश मैक्स का, इस फाइल को मैं ओपन करूंगा जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। स्विश मैक्स की जो एग्जी फाइल है उसको मैं ओपन करूंगा और उसके बाद यहां पर यस पर प्रेस करूंगा, यहां से नेक्स्ट करेंगे। ये कोई लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं कि आप इन सब पर एग्री करते हैं या नहीं करते, ये सारी वो डिटेल्स होती हैं। खैर, नेक्स्ट यस करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप कौन सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मोस्टली सी में ही जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, तो मैंने सी ऑलरेडी जो मेरा सेलेक्टेड है तो उसी में मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये अभी इंस्टॉलेशन हो रही है फ्रेंड्स। जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूटोरियल्स हाउस में हम आपको कौन कौन सी चीज़ें सिखाते हैं। ट्यूटोरियल्स हाउस में हम आपको सिखाते हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लॉन्च करना है या स्विच मैक्स क्या करना चाहते हैं आप, इन दोनों ऑप्शनों को फ़िलहाल रहने दें। लॉन्च स्विच मैक्स नाउ कर लें, ठीक है, और ऑनलाइन को रहने दें, ठीक है। तो अभी हमारे सामने स्विश मैक्स ओपन हो जाएगा। जब हमने स्विश मैक्स को इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी कि स्विश मैक्स को रजिस्टर करें या स्विश मैक्स को फुल एक्टिवेट करें। जब तक आप फुल एक्टिवेट नहीं करेंगे, इसको बाय या अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक आप स्विश मैक्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्विश मैक्स की फुल एक्टिवेट इंस्टॉलेशन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्यूटोरियल्स हाउस में हम आपको सिखाते हैं स्विश मैक्स, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, अडोब आफ्टर इफेक्ट, EDS, ऑटोकैड, स्केचअप, वीरे, ई टैब और बहुत सी ऐसी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स जो कि हर कोई आम बंदा, हर आम व ख़ास आदमी सीखना चाहता है कि फ़लाँ सॉफ्टवेयर कैसे है या केबल पर, टीवी पर जो चलती है एड कमर्शियल चलती है वो कैसे तैयार की जाती है, टीवी पर जो स्क्रोल्स वगैरह अक्सर जो जियो टीवी और एयरवे जैसे कोई ड्रामास वगैरह चल रहे होते हैं तो उनके बॉटम में एक स्क्रोल टाइप एनिमेशन आती है जो कि एडवर्टाइजिंग का एक हिस्सा होती है, तो वो किस सॉफ्टवेयर में तैयार की जाती है, कैसे तैयार की जाती है, या फ्लेक्स डिज़ाइनिंग जो होती है वो कैसे तैयार करते हैं, तो ये सब इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगी आपको पता चलता रहेगा। सो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्विश मैक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। ये लेक्चर नंबर 1 है मेरा, ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्विश मैक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉलेशन ये हो चुकी है और इसके बाद हमने इसको क्या करना है कि रजिस्टर्ड करना है अभी, क्योंकि जब तक आप इसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको रजिस्टर्ड करने का तरीका क्या है, जहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उसके साथ ही ये मेरे पास स्विश मैक्स की जनरेटर है मेरे पास, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो आप मेरे जो ईमेल मेरे इस चैनल के अबाउट में ईमेल आ रहा है उस पर मुझसे रابطہ कर सकते हैं, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा फुल एक्टिवेट फुल जो सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।
तो चले आए शुरू करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अभी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, तो जब हमने इस कीज़ को ओपन किया तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होगी, स्विच अनलॉक की जनरेटर। ठीक है, तो इससे पहले जब हमने स्विच मैक्स को इंस्टॉल किया था जो हमारे सामने विंडो आई थी वो ये थी। इस पर क्या आ रहा है कि ये देखें, यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है साइट कोड की, वो कह रहा है कि जिस चीज़ को आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उसका साइट कोड क्या है। तो यहाँ पर ये साइट कोड है, ठीक है, इस सारे को हम कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी प्रेस किया मैंने, कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद वो जो सारा मेरा साइट कोड था वो इधर पेस्ट हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर ओके करूँगा, ओके करने के बाद मेरे सामने जो है वो अनलॉक कीज़ शो हो जाएंगी जो कि मेरे सॉफ्टवेयर स्विच मैक्स की रजिस्ट्रेशन है, जो कि मेरे सॉफ्टवेयर स्विच मैक्स की रजिस्ट्रेशन कीज़ हैं। तो इन सारे को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी मैंने कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी करूँगा। जब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली डन हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, ये देखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव इंटर्ड अ वैलिड की। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था स्विच मैक्स की इंस्टॉलेशन का तरीकाकार। ठीक है, और यहाँ से मैं उसको ओके करूँगा और मेरा जो स्विच मैक्स सॉफ्टवेयर है वो मेरे सामने चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है स्टार्ट अ न्यू एम्प्टी मूवी। ठीक है, हम यहाँ पर ओके कर देंगे, पहले ही उसके जो ऑप्शन है वहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है फुल एक्टिवेट स्विच मैक्स इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्विच मैक्स में हम कैसे स्क्रॉल बना सकते हैं, कैसे AVI फाइल बना सकते हैं, कैसे GIF फाइल बना सकते हैं, कैसे हम जो TV पर चलने वाली स्क्रॉल होती है वो कैसे बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे किस्म के ग्राफिक्स यूज़ करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इतनी आसानी से आपको समझाऊँ कि आपको समझ आ जाए, मतलब जितना इजी हो सकेगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो मेरे आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हाज़िर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि स्विच मैक्स के कौन कौन से टूल्स होते हैं और कहां कहां टूल्स यूज़ करने होते हैं। स्टे विद अस, खुदा हाफिज़।